नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट है और इस एक वीडियो का इंतजार 2022 में बहुत सारे विद्यार्थी यानी कम से कम 14 से 15 लाख बच्चे विद्यार्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और वो क्या है कि किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला कैसे लें। 2022 में आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेना चाहते हैं या सपना देख रहे हो एडमिशन लेने का, तो ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको विश्वविद्यालय में दाखिला लेना कैसे है, उसका जो एक पूरा कहानी है, पूरी जो एक एनालिसिस है, ये पूरा इस एक वीडियो से आप समझ जाओगे। ये ऑफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी तथ्य दूंगा, जो भी नोटिस दिखाऊंगा, वो एक ऑफिशियल नोटिस है। किसका? यूजीसी का। सबको पता है पूरे यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता कौन है, तो वो हमारा यूजीसी है। यूजीसी लास्ट 2 सालों से एक बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा था कि विश्वविद्यालय का दाखिला कैसे हो, यानी विश्वविद्यालय का डिफरेंट फॉर्म ना भरना पड़े। जैसे आप बीएचयू का अलग से फॉर्म ना डालो, इलाहाबाद का अलग से ना डालो, डीयू का अलग से ना डालो, जेएनयू का अलग से ना डालो। ऐसे में गवर्नमेंट ने इस पे सोचा और एक ही फॉर्म डालने से आप भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो, यानी अब आपको पेपर एक ही देना पड़ेगा। इस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 1.5 साल पहले से मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं, जब इस पे पहला कन्वर्सेशन शुरू हुआ था एजुकेशन मिनिस्ट्री और हमारे यूजीसी का। तो जितने भी ऑफिशियल वीडियोज रहे हैं वो मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया है। अब आज इस वीडियो के बाद आने वाली पूरी एक सीरीज है, यानी यूं समझ लो कि आज एक होने जा रहा है आरंभ। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे लाइव सेशंस के, चाहे आपके एप्टीट्यूड सेक्शंस हो, चाहे आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो, तमाम वीडियोज आपके इस चैनल पे मिलने वाला है। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अपने शेयर पे, अपने स्टेटस पे लगाएं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट को मैं स्क्रॉल करके एकदम नीचे ले जाता हूं, तो इनके मीटिंग का एक कन्वर्सेशन ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हम लोग जस्ट इसको क्लिक करते हैं और ये नोटिस डाउनलोड करते हैं। इस नोटिस को डाउनलोड करते ही यहां पे आपको दिख जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CUET सेंटर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कराने जा रही है, जिसका पेपर जो है मेरे दोस्तों, यहां पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA कौन करा रहा है, NTA करा रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये पेपर जो होगा भारत के टोटल 13 लैंग्वेजेज में होगा, और वो 13 लैंग्वेज कौन कौन से है, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और अंग्रेजी। आप सभी को बता दूं CUET को इस बार प्राइवेट विश्वविद्यालय भी अपने यहां करा सकता है। उसके लिए इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया है, जो आपका काम नहीं है वो विश्वविद्यालय का काम है। उसके बाद यहां पे इन्होंने एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दी है, जहां से आने वाले समय में अपना फॉर्म रिलीज करेंगे और 2022 का जो फॉर्म है वो अप्रैल में आ जाएगा, वो भी पहले सप्ताह में, यानी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको CUET का फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा ऑन द वेबसाइट आप UGC.ac.in पे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे डिस्कशन में, अब हम लोग आते हैं एक बार स्टार्टिंग के प्रोसेस पे। अब मैं आपको एक बार गाइस समझा देता हूं कि CUET जो है वो है क्या। बहुत सारे बच्चे जो होंगे न्यू वीवर्स होंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप अब BHU का फॉर्म नहीं डालोगे, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे BHU का फॉर्म डालना है, तो BHU का फॉर्म आप नहीं डालोगे आप, क्योंकि BHU जो है वो CUET में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है, पार्टिसिपेट कर चुका है, DU अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है, JNU अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है। बाकी यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको मिल जाएगी, वो मैं ही आपको दूंगा कि यदि आपको पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो क्या CUET में जाएगा, इलाहाबाद में लेना है तो क्या आपको CUET में फॉर्म डालना है कि नहीं डालना है, ये तमाम वीडियो जो है वो आने वाले टाइम पे मैं दूंगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि मैं आपको CUET के जो एप्टीट्यूड सेक्शन है और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों की प्रिपरेशन के बारे में कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। यानी आपको इस चैनल पे CUET के लिए जो भी पर्टिकुलर एक ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड कराया जाने वाला है, उसकी भी यहाँ पे कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है। उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बैक में अगर ले चलूं, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ BA का CUET का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको एक बार बैक करूंगा, ठीक है,
और आपको यहां पे दिखाऊंगा कि ये कोर्स देखो यहां पे अवेलेबल है, ठीक है, ये कोर्स यहां पे अवेलेबल है। अगर हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कंटेंट में क्या क्या है, तो कंटेंट में आप देखो सीयूटी का सिलेबस, एप्टीट्यूड सेक्शन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज। स्पेसिफिक को मैं ओपन करके दिखाता हूं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, हिस्ट्री एंड करेंट अफेयर्स, ये करेंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं तो उसके बाद एप्टीट्यूड में जाते हैं, तो एप्टीट्यूड में मेंटल एबिलिटी, मैथ, और यहां पर हम लोग अभी फ्यूचर में लॉजिकल रीजनिंग एड करेंगे। लैंग्वेज में जाते हैं तो आपको लैंग्वेज में दो मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो ध्यान रहे, जिसको भी तैयारी करनी है वो आराम से इस नंबर पे इंक्वायरी करके कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और अपने दोस्तों को ये बात शेयर करिएगा, अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। बीएचयू पाठशाला पे आपको शाम को लाइव सेशन देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग खूब बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये जो हमारा एक ड्रीम है कि हमें विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है उसको निश्चित तौर से पूरा किया जाएगा। इवन मैं आपको यहां तक प्लानिंग बताऊंगा कि मन चाहे विश्वविद्यालय में दाखिला कैसे लिया। सो प्लीज वॉच बीएचयू पाठशाला, स्माइल करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।